बिल्कुल बड़ी ऑनेस्ट की बात पूछ रहे हैं जो हमारे कश्मीर के हालात हैं सियासतदानों के। क्या वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के पास इख्तियारात थे कि वो आपको अपने तौर से कश्मीर की एंड पे बिजली 3 रुपये सस्ती करके देते? जी बिल्कुल इख्तियारात थे। और आपको मैं इसके बारे में मज़ीद भी बता दूँ कि जब कामरान तारिक साहब की तहरीक में उन वकला की तहरीक जो इसमें शामिल होने में एक बड़ा फ़ायदा हुआ, अवामी एक्शन कमेटी का भी नो डाउट बहुत बड़ा किरदार है कि अवाम एजुकेट हुई कानूनी तौर पर इस सारे मामले को समझने के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कब से ये मगला डैम वाले लोगों की और इस डैम की बिजली के जो मामला हैं वो कब से कश्मीरियों को राइट्स दे चुका है। उनका तो उनके एंड में तो मसला ही नहीं था कि ये कहता था कि मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं करने देती। जब तक जब से ये मसला ख़राब हुआ है वो हमारे सबका तमाम वज़रा की वजह से, वज़ीर-ए-आज़मों की वजह से, उन्होंने कभी भी इस मसले को इस तरह से संजीदगी से लिया नहीं। और जो सच्ची बात है आवाम कभी बोली ही नहीं थी, 60-70 साल के बाद ये बोली है आवाम में वो शऊर सर उजागर किया गया, इनको बताया गया कि ये आपका राइट है, फिर इन्होंने सड़कों पर अपनी जाने दे कर भी लिया। अच्छा, मैंने ये तकरीबन उस तहरीक के तसारे ही जो है प्रोग्राम वो कवर किए, मैं उस भी लोगों को देख के ये कहता था कि जिस जज्बे के साथ ये लोग निकले हैं अंदर से यकीन था, तो ये कह सकते हैं कि बेदारी शऊर जो है वो कामयाबी की दलील है। तो आपने शोर तो लोगों में पैदा कर दिया, अब आप आखिर में आवाम को जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पता? जी मैं यही कहूँगी कि तहरीक ख़ास तौर पर बिलखसूस मैं इस तहरीक की बात करूँ तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से और बड़ी कुर्बानियों से ये तहरीक जो है ना माशाल्लाह इस वक्त इतनी खौफनाक है, इन हुक्मरानों के ऐवानों में लर्जा हैं वो लोग, तो खुदारा अभी किसी भी सूरत में तहरीक को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, जितना हो सके तहरीक के साथ जुड़ कर रहें, मिल कर रहें, और आपकी जो बका है और आपके हकूक़ की जो बका है वो इसी में है कि तहरीक जारी रहे, जिंदा रहे और आप मुतहद रहें और मुनज़्ज़म रहें। बहुत शुक्रिया नसरी साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, आज आपकी काफ़ी सारी मसरूफियात थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, तस्वीर बलोत्रा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।